देश में एक बार फिर से ट्रेन हादसे ने सबको थर्रा कर रख दिया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार दोपहर को गोंडा में हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बारे में जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ट्रेन डीरेल हो गई थी, जिससे कि डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ पलट गए। इस ट्रेन हादसे में एसी क्लास के 4 डिब्बे पटरी से उतरने बताए गए। जैसे ही ये हादसा हुआ मौके पर आसपास के रहने वाले लोग सबसे पहले पहुंचे। मौके से सबसे पहले जो तस्वीरें आईं उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के बाद यात्रियों में किस कदर हड़कंप मचा हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक करीब दोपहर 2:37 के आसपास ये हादसा होना बताया गया। हादसे के कुछ ही देर बाद इस ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने भी इस हादसे के बारे में जो जानकारी सबसे पहले दी, आप वो सुनिए। यहाँ ये 2:30 के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम तैसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। गोरखपुर लखनऊ रूट को फिलहाल इस हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और 2 ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिनका रूट बदला है ये जान लीजिए। सप्त क्रांति एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, हावड़ा काठ गोदाम बाग एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का रूट बदलने का काम भी किया गया। वहीं इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। आपको बता दें कि हादसे के तुरंत बाद रेलवे एक्शन में आया और मौके पर राहत के लिए टीम को भेजा गया। यहां पर 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं जो घायलों को अस्पताल ले जाने में लगी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर पूरी नजर बनाए हुई है। उन्होंने तेजी से राहत के काम जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हालांकि इस घटना के बारे में न्यूज 18 से बात करते हुए CPRO ने कहा कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 7 यात्री घायल उन्होंने बताए। ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच डरेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइड पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइड पे पहुंच गई है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 यात्रियों की मौत हुई है और 26 के करीब यात्री घायल हुए हैं। हालांकि सही संख्या इसकी क्या है इसकी पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। हादसे के बाद की अगर बात की जाए तो SDRF ने भी मोर्चा यहां पर संभाला है, बचाव कार्य चल रहा है। रेलवे के उच्च अधिकारी भी घटना की खबर के बाद मौके के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं पड़ोसी जिलों के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वहां पर भी मरीजों को इलाज के लिए भेजा जा सके। न्यूज 18 से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने हादसे को दुखद बताया और जानकारी दी कि इस हादसे में 3 यात्रियों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। राहत कार्य पूरे ढंग से पूरी मजबूती से चल रहा है। जो लोग चुके लोग हैं उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहां पे सारे अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन के DRM साहब आ रहे हैं। जो यहां यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य है। वहीं एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि इस हादसे में 15 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिनमें से कुछ बोगियां पलटी भी खा गई। SDM मनकापुर ने जो जानकारी दी है उनकी तरफ से जो जानकारी आई है वो ये बता रही है कि हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है, 25 यात्री घायल हैं, 2 यात्रियों के पैर कटे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर की तरफ कूदे थे। यह हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डेहवा में हुआ है। अयोध्या से इसकी दूरी 30 किलोमीटर जबकि लखनऊ से 130 किलोमीटर बताई गई है। गुरुवार को ट्रेन रात 11:39 के आसपास चंडीगढ़ से रवाना हुई। गुरुवार दोपहर झिलाही स्टेशन के पास ये पलट गई। ट्रेन में सवार एक यात्री ने कहा कि गोंडा से 20 किलोमीटर दूर दोपहर करीब 2:30 हादसा हुआ। यहां से मनकापुर स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से 100 मीटर दूर गिरे। AC कोच के डिब्बों की खिड़कियों के शीशे तोड़कर यात्री बाहर आ पाए। जहां पर हादसा हुआ वहां से
चारपाई से उठाकर घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं राहत और बचाव के काम में SDRF की टीम भी जुटी हुई है। इस हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह हादसा एक उदाहरण है कि किस तरह से मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। एक महीने पहले ही 11 लोगों की मौत हुई थी जब कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई थी। रेलवे कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिग्नल फेल होना ऑपरेशन में कई स्तर की गड़बड़ी को हादसे का कारण बताया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री को सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक ही मांग है कि एंटी कोलिजन डिवाइस कवच को देश भर में रेलवे रूट में लगाया जाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि इस भीषण दुर्घटना से पहले किन किन ट्रेन हादसों ने देश को दहलाने का काम किया था। ट्रेन हादसों की अगर बात की जाए तो तारीख 2 जून 2024 पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ट्रेन हादसा पेश आया जहां पर सरहिंद के माधोपुर के पास दो मालगाड़ियां आपस में टकराईं और टक्कर में दो ट्रेन ड्राइवर घायल हुए थे। इसके अलावा 17 जून की तारीख 2024 की तारीख आपको याद होगी, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ और मालगाड़ी से कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से दरअसल मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां डिरेल हुई थी और इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई जबकि 25 लोग इस हादसे में भी घायल हुए थे। इसके अलावा हादसा एक और सामने आया था 28 फरवरी 2024 को। जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ था जिसमें 12 लोग ट्रेन की चपेट में आए थे और दो लोगों की इसमें मौत हो गई थी। बताया ये गया कि डाउन लाइन से गुजर रही थी बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस। ट्रेन में आग का अंदेशा होने पर चालक ने गाड़ी रोकी थी चेकिंग के लिए और जब ट्रेन रुकी तो यात्री पटरियों पर ही उतर गए। दूसरी तरफ से अप लाइन से जा रही EMU की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, इसमें यात्रियों की मौत हो गई। 17 फरवरी 2024 की बात करें तो दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड थे जब यह हादसा हुआ। हादसे से रेलवे ट्रैक पर भी काफ़ी नुकसान हुआ, बाद में उसे ठीक करने का काम भी रेलवे प्रशासन की तरफ से किया गया था। इसके अलावा 18 जनवरी 2024 की बात करें तो झारखंड के गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में ये लोग आए थे, ट्रैक पार कर रहे थे और फॉग इसके पीछे कारण बताया गया कि फॉग की वजह से यह हादसा हुआ। उधर 29 अक्टूबर 2023 का दिन भी याद कर लें क्योंकि आंध्र प्रदेश में दो पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर हुई थी और इसमें 14 यात्रियों के हादसे में जान चली गई थी जबकि 50 से ज़्यादा यात्री घायल हुए थे। कंटाका पल्ली में हावड़ा चेन्नई लाइन पर यह दुर्घटना हुई थी। रायगढ़ पैसेंजर ने दरअसल विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन को टक्कर मारी थी और इसकी वजह से हादसा हुआ था। हादसे की वजह ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट की लापरवाही बताई गई और कहा गया कि दोनों फोन पर क्रिकेट मैच देखने का काम कर रहे थे जिसकी वजह से ये दुर्घटना पेश आई। इधर 2 जून 2023 की बात करें तो ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसा पेश आया था और भीषणतम ट्रेन हादसा ये था जिसमें 296 लोगों की जान गई और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रिपल हादसा हुआ था क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस की लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, दूसरी तरफ जा गिरे थे। दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और इससे इन डिब्बों की टक्कर हो गई और इसकी वजह से भीषण हादसा हुआ था।